ऑफिसर्स, नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज रोहितिवन मोर देन ट्वेंटी सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंगाल की तरफ से ना दो डिमांड्स आई हैं हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि बंगाल ने दो डिमांड्स करी हैं कि बंगाली को एक तो आप जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए बंगाली ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो बंगाल वेस्ट बंगाल की स्टेट लैंग्वेज भी है राइट पर एक डिमांड आई है कि उसको आपने एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है आप दीजिए साथ ही में एक और डिमांड थी कि देर इज अ मेला अच इज कॉल्ड द गंगा सागर मेला विच हैपन विद टेक्स प्लेस ऑन द सागर आइलैंड राइट जो कि आपके बे ऑफ बंगाल और जो गंगा का जो कॉन्फ्लुएंस है जो माउथ है वहां पे वो आइलैंड स्थित है दैट आइलैंड विच इज़ नोन फॉर दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेट ऑफ इरोजन नासा हैज टर्म दैट इस आइलैंड के ऊपर दुनिया पे इरोजन जहां 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 पे भी हो रही है यहां पे फास्टेस्ट है उस आइलैंड के ऊपर ये जो है ये पर्टिकुलर मेला जो है ये लगता है जिसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल है कांग्रीगेशन माने जहां पे लोग आके इकट्ठे हो रहे हैं इकट्ठे होने को कांग्रीगेशन कह दिया जाता है तो सेकंड बिगेस्ट कांग्रीगेशन ऑफ पीपल ये पर्टिकुलर मेला है पहला कौन सा है आप कमेंट्स में मुझे बताइए हालांकि इस वीडियो के आगे जाते जाते आपको वही पता लग जाएगा बट राइट नाउ इफ यू कैन पॉज दी वीडियो एंड कॉमेंट डाउन तो पता लगेगा कि आपको ये चीज आपकी वैलिडेट होती है कि आज बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको पहले पता थी या नहीं हालांकि गेस करना बहुत आसान है राइट <coughs> वो भी एक मेला ही है राइट बच्चे आइए बच्चे ये देखिए पर्टिकुलर इवेंट दैट टेक्स प्लेस एक हाईली इरोडेड आइलैंड के ऊपर एक ह्यूमन कांग्रीगेशन होती है राइट right? इन्वायरमेंट के लिए तो कंसर्न है ही है राइट right? बट अब डिमांड ये है कि ये पर्टिकुलर जो आपका मेला है ये पर्टिकुलर जो आपका फेयर है इसको नेशनल स्टेटस का दर्जा जो है वो मिले राइट नेशनल स्टेटस का दर्जा मिलता है तो उससे क्या होता है ये हमने डिटेल में अपनी क्लास की वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस किया है है ना उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आप क्लास वीडियो में जाके वो टॉपिक देख सकते हैं उसमें फिर डिस्कशन ज्यादा होती है हम एनालाइज करते हैं हर एक चीज को डीप में जाके कि एक्चुअली क्या हो रहा है है ना एक्चुअली हमने क्या करना है है ना और आप उसकी वजह से आपके आंसर राइटिंग जो है वो कंप्लीटली सॉट हो जाती है दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर क्लास है ना तो अगर वो कोई क्लास लेता है तो उसके अंदर हम आपको पी प्रोवाइड करते हैं एक जिसको आपको प्रिंट लेके क्लास अटेंड करनी होती है उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लासिकल uh, लैंग्वेज की बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है क्या मतलब है उसका क्या उसके क्राइटेरिया है तो हम साइड पर हल्के करके शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं और मेन टॉपिक भी करते हैं साल के एंड में आपको उन नोट्स से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती है दैट इज इनफ है ना और उन नोट से बाहर आपको मेंस में भी नहीं जाना आपको इंटरव्यू में भी नहीं जाना है राइट uh, एवरीथिंग इस मेले के बारे में देखते कि गंगा सागर मेला क्या चीज है कब होता है बच्चे? मकर संक्रांति तो रिसेंटली निकल के गया है सेट तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ मेला ये वैसे भी लार्जेस्ट गैदरिंग ही है मतलब ऑब्वियसली इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री है अब और रिलीजियस uh, भी बहुत है राइट right? हैंस जो यहाँ पे मैक्सिमम गैदरिंग होगी वो रिलीजन की वजह से ही होगी तो ये वर्ल्ड में मैक्सिमम जो गैदरिंग है वो यही जगहों पे होती है दैट्स इट इज़ अ बिग इवेंट एंड इन केस अगर आपकी सिलेक्शन होती है अगर आप इस इलाके कहीं पे एसडीएम होंगे तो ये सारी व्यवस्था आपको करानी होगी राइट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट दिस एनुअल पिलग्रमेज ड्रॉज मिलियंस टू सागर आइलैंड

और क्या कोमेमोरेट करता है राइट right? तो ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है या फिर ये स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है किसके बारे में बात हो रही है कौन सा मेला लगता है यहां पे है ना कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है राइट दिस पर्टिकुलर आईलैंड इज ऑल्सो मैंशनड इन बोथ रामायण एंड महाभारत ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बच्चे पिलग्रिमेज स्टार्टेड वेन दी फर्स्ट कपिल मुनि टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन सत्यभाम फोर थर्टी एडी बच्चे ठीक है तो ये सारी चीजें ये फैक्चुअल है ना देर इज अ चांस कि आपको प्री के अंदर कुछ भी सवाल इनमें से पूछा जाए कल्चर वैसे भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है है ना और देर इज अ चांस कि गंगा सागर मेला और दो तीन और मेले कंबाइन करके वो आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल पूछ लें राइट मैं आपके लिए तीन और मेले में आपको आज एक्सप्लेन कर दूँ साथ साथ है ना मैच द फॉलोइंग अंदर कि गंगा सागर मेला कहां लगता है उसके सामने लोकेशन ऐसे बता दें या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन दे दें और बोल दें कितने सारे करेक्टली लिखे हुए हैं कितने सारे इनकरेक्टली लिखे फॉर दैट आपको एक मेला पूरी तरह पता होना चाहिए मेन मेन चीज़ें एटलीस्ट इट इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज गैदरिंग आफ्टर कुंभ मेला राइट बेनिफिट्स क्या है आ, कि अगर नेशनल लेवल पे क्यों करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सेंट्रल फंडिंग मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है टूरिज्म होता है मतलब अगर आप लाइमलाइट में आते हो बेसिकली आपकी एड हो जाती है ना उससे तो कुछ वैसा सा होता है कि भी आएंगे लोग भी आएंगे तो ओवरऑल फायदा होता है अदर मेजर मेला बचे वो देखते हैं फटाफट नंबर वन आपका कुंभ मेला सेलिब्रेटेड फोर टाइम्स एवरी ट्वेल्व ईयर्स है ना कहने का मतलब हर चार साल में एक बार पहले साल फिर ऐसे चौथे साल में द साइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन रोटेटिंग बिटवीन फोर पिलग्रीमेज ऑन दी फोर सेक्रेट रिवर्स एट ये देखिए अलाहाबाद और प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन नासिक ठीक है बच्चे ये चार लोकेशंस के बीच में ये रोटेट होता रहता है और हर बारह साल में इसका साइकिल जो है फिर से रिपीट हो जाता है देन वी हैव अर्ध कुंभ एंड वी हैव महाकुंभ जो कि 144 फोर्टी फोर में होता है ये भी बच्चे कुछ लोगों को इनफॉर्मेश नहीं पता होती तो यू टेक अ स्क्रीनशॉट और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए देन वी हैव पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में होता है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल फेयर इसके अलावा वी हैव हमिज ग्पा फेयर जो कि आपका चिली डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है ये सारे आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं एंड ये वाला लास्ट वाला जो मेला है दैट इज फॉर गुरु पद्म संभव दैट इज ऑल फॉर टूडे ऑल द बेस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024